ओम शांति। आज 15 जनवरी 2023 है और आज प्यारे बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। आज के रिवाइज कोर्स की डेट है 18 नवंबर 1993 और मुरली की हेडलाइन है संगम युग के राज दुलारे सो भविष्य के राज अधिकारी। आज सर्व बच्चों के दिलाराम बाप अपने चारों ओर के सर्व राज दुलारे बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा दिलाराम के दुलार का पात्र है। ये दिव्य दुलार परमात्म दुलार कोटों में कोई भाग्यवान आत्माओं को ही प्राप्त होता है। अनेक जन्म आत्माओं व महान आत्माओं द्वारा दुलार अनुभव किया, अब इस एक अलौकिक जन्म में परमात्म प्यार व दुलार अनुभव कर रहे हो। इस दिव्य दुलार द्वारा राज दुलारे बन गए हो, इसलिए दिलाराम बाप को भी अलौकिक फकुर है कि मेरा हर एक बच्चा राजा बच्चा है। बाबा ने हम बच्चों को संगम पर जो जन्म दिया, उस जन्म में बाबा ने बतलाया कि तुम विशेष आत्माएं हो, चुने हुए हो, मेरे राज दुलारे हो। और राज दुलारे होने के नाते बाबा ने हम बच्चों को हमारा भाग्य याद कराया। आप सोचो आप कितने लकी हो, कौन आपको कहता है राज दुलारा, कौन कहता है? नशा होना चाहिए, जैसे बाबा ने कहा मुझे भी फख्र है, तो बच्चों को तो और ज्यादा होना चाहिए। राजा होना प्रजा तो नहीं ना। फिर बाबा ने कहा कि राज दुलारे अर्थात अब के भी राजे और भविष्य के भी राजे, डबल राज्य, डबल राज्य। सिर्फ भविष्य का राज नहीं, भविष्य से पहले अब स्वराज अधिकारी बने हो। जैसे भविष्य राज की महिमा करते हो, एक राज्य एक धर्म सुख शांति संपत्ति संपन्न राज्य है, ऐसे हे स्वराज्य अधिकारी राजे, स्वराज के राज कारोबार में ये सब बातें सदा है। एक राज्य बाबा ने कहा अर्थात सदा मुझ आत्मा का राज्य इन सर्व राज्य कारोबारी कर्मेंद्रियों पर है व बीच बीच में स्वराज के बजाय पर राज्य अपना अधिकार तो नहीं करते। पर राज्य है माया का राज्य, पर राज्य की निशानी पर अधीन बन जाएंगे। स्वराज की निशानी है सदा श्रेष्ठ अधिकारी अनुभव करेंगे। पर राज्य पर अधीन व परवश बनाता है। जब भी कोई अन्य राजा किसी राज्य पर अधिकार प्राप्त करता है तो पहले राजा को ही कैदी बनाता है अर्थात पराधीन बनाता है। तो चेक करो एक राज्य है कि बीच बीच में माया राज्य अधिकारी आप स्वराज अधिकारी राजाओं को वो अपने कोई भी कर्मेंद्री रूपी राज कारोबारी को परवश तो नहीं बना देती। ये बाबा ने बहुत गहरी बात हम बच्चों को बताई है कि माया कैसे वार करती है। भक्त कोई भी राज्य लेना होता है तो पहले किसको वश किया जाता है? राजा को। राजा कैदी बन जाता है तो सारी प्रजा सारी सल्तनत हाथ में आ जाती है। ऐसे बाबा कहते हैं कि आपको चेक करना है कि आपका अपना राज है या कोई और का राज तो आपके ऊपर नहीं है। साथ साथ एक धर्म, धर्म अर्थात धारणा, तो स्वराज का धर्म व धारणा एक कौन सी है? पवित्रता। मन वचन कर्म संबंध संपर्क सब प्रकार की पवित्रता, इसको कहा जाता है एक धर्म अर्थात एक धारणा। स्वप्न मात्र संकल्प मात्र भी अपवित्रता अर्थात दूसरा धर्म न हो, क्योंकि जहाँ पवित्रता है वहाँ अपवित्रता अर्थात व्यर्थ व विकल्प का नाम निशान नहीं होगा। फिर बाबा ने कहा तो चेक करो सुख शांति संपत्ति
अर्थात सदा हद की प्राप्तियों के आधार पर सुख है, वह आत्मिक अति इंद्रिय सुख परमात्म सुखमय राज्य है। साधन व सैल्वेशन व प्रशंसा के आधार पर सुख की अनुभूति है, वह परमात्म आधार पर अति इंद्रिय सुखमय राज्य है। चेक करो, बाबा कहते हैं आज सुख की अनुभूति किस आधार से, परमात्म अनुभव के आधार से है या अदरवाइज? इसी प्रकार से अखंड शांति किसी भी प्रकार की अशांति की परिस्थिति अखंड शांति को खंडित तो नहीं करती है। अशांति का तूफान चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन स्वराज अधिकारी के लिए तूफान अनुभवी बनाने की उड़ती कला का तोहफा बन जाए, लिफ्ट की गिफ्ट बन जाए, इसको कहा जाता है अखंड शांति। तो चेक करो, अखंड शांति में स्वराज है। ऐसे ही फिर बाबा ने कहा संपत्ति, अर्थात स्वराज की संपत्ति ज्ञान गुण और शक्तियाँ। इन सर्व संपत्तियों से संपन्न स्वराज अधिकारी हैं। तो बाबा ने हमें बताया संपन्नता की निशानी, संपन्नता अर्थात सदा संतुष्टता और प्राप्ति का नाम निशान नहीं। ये डेफिनेशन है संपन्न। कोई व्यक्ति को हम कहते हैं बहुत संपन्न व्यक्ति है, संपन्न है या केवल उसके पास धन खजाना है इसलिए संपन्न है, या उसके पास संतुष्टता का खजाना है, नहीं अप्राप्त कोई वस्तु उसका खजाना है। हद के इच्छाओं की अविद्या, इसको कहा जाता है संपत्तिवान। और राजा का अर्थ ही है दाता। अगर हद की इच्छा व प्राप्ति की उत्पत्ति है तो वो राजा के बजाय मंगता बन जाता है। इसलिए अपने स्वराज अधिकारी को अच्छी तरह से चेक करो कि मेरा स्वराज एक राज्य एक धर्म सुख शांति संपन्न बना है कि अभी बन रहे हैं। अगर राजा बन रहे हैं तो अब राज्य अधिकारी स्थिति नहीं है, तो उस समय क्या हो, प्रजा बन जाते हो व न राजा न प्रजा बीच में हो, कभी बीच में नहीं रहो। ये भी नहीं सोचना कि अंत में बन जाएंगे। अगर बहुत काल का राज्य भाग्य प्राप्त करना ही है तो बहुत काल के स्वराज का फल है बहुत काल का राज्य। बहुत काल के स्वराज का फल बहुत काल का राज्य है। यहाँ पर जितना समय हम स्वराज अधिकारी रहेंगे बहुकाल, वो फिर हमारा भविष्य में राज्य निश्चित करता है। उतने समय तक राजा बने रहेंगे आप सब, तो लंबे समय तक राजा बने रहेंगे जो बड़े हैं आप हैं, लंबे समय तक राजा बने रहेंगे क्योंकि बहुकाल का अभ्यास। बहुकाल नहीं, लेकिन ये प्रैक्टिकल बड़ी सूक्ष्म इसमें चेकिंग्स हैं। फिर बाबा ने कहा कि फुल समय के राज्य अधिकार का आधार वर्तमान सदा काल का स्वराज है। समझा, कभी अलबेले नहीं रह जाना, हो जाएगा नहीं करते रहना। बाप दादा को बहुत मीठी बातों से बहलाते हैं, राजा के बजाय बहुत बढ़िया वकील बन जाते हैं, ऐसी ऐसी लॉ पॉइंट्स सुनाते हैं जो बाप भी मुस्कुराते हैं। वकील अच्छा या राजा अच्छा, बहुत होशियारी से वकालत करते हैं, इसलिए अब वकालत करना छोड़ दो, राज दुलारे बनो। बाप का बच्चों से स्नेह है इसलिए सुनते देखते भी मुस्कुराते रहते हैं। अभी धर्मराज से काम नहीं लेते, स्नेह सभी को चला रहा है, स्नेह के कारण ही पहुंच गए होना। तो स्नेह के रिस्पॉन्स में बाप दादा भी पदम गुणा स्नेह का रिटर्न दे रहे हैं। देश विदेश के सभी बच्चे स्नेह के विमान द्वारा मधुबन में पहुंचे हो। बाप दादा साकार रूप में आप सबको और स्नेह स्वरूप में सर्व बच्चों को देख रहे हैं। फिर बाबा ने याद प्यार दिया है, सर्व स्नेह में समाये हुए समीप बच्चों को सर्व स्वराज अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को
श्रेष्ठ प्राप्तियों, संपन्न श्रेष्ठ संपत्तिवान विशेष आत्माओं को सदा एक धर्म, एक राज्य, संपन्न स्वराज अधिकारी बाप समान भाग्यवान आत्माओं को भाग्य विदाता बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। फिर बाबा ने बाबा दादियों से भी मिले और बाबा की पर्सनल मुलाकात भी है। बाबा ने आज वरदान दिया, बैलेंस की विशेषता को धारण कर सर्व को ब्लेसिंग देने वाले शक्तिशाली सेवाधारी भव। अभी आप शक्तिशाली आत्माओं की सेवा है, सर्व को ब्लेसिंग देना, चाहे नैनो से दो, चाहे मस्तक मणि द्वारा दो। जैसे साकार को लास्ट कर्मातीत स्टेज के समय देखा कैसे बैलेंस की विशेषता थी और ब्लेसिंग की कमाल थी, तो फॉलो फादर करो। यही सहज और शक्तिशाली सेवा है। इसमें समय भी कम, मेहनत भी कम और रिजल्ट ज़्यादा निकलती है। तो आत्मिक स्वरूप से सबको ब्लेसिंग देते चलो। ब्लेसिंग्स और दुआएं बहुत नयामत चीज़ है। दिल से कोई किसी को अगर दुआ दे तो लगती है। एक होता है ऊपर ऊपर से कहना, दिल से कहना। दिल से हमें दुआएं देना, हम देंगे, लेने की हम इच्छा नहीं रखते हैं। हम इतने काबिल बने जो हमें लोग अपने दिल से दुआएं दें। स्लोगन है, विस्तार को सेकंड में समाकर ज्ञान के सार का अनुभव कराना ही लाइट माइट हाउस बनना है। तो ये थे बाबा के आज के मधुर माँ वाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो उसे मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में लेने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।